केपलर का सिद्धांत हो गया लंब वृत्ताकार जो कक्षा में घूमते हैं ना, जैसे सूर्य की सभी ग्रह पहले आपने पढ़ा होगा वृत्ताकार कक्षा में, ये कक्षा है एक, इसमें परिक्रमा करते हैं, जबकि ये हो गया लंब वृत्ताकार। आप इसको ऐसे कर लो तो ये लंब वृत्ताकार हो जाएगा। लंब वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह। लंब वृत्ताकार इसका भी है, इसका भी हम जो आएंगे ना तिथि वगैरह में तो इसका औचित्य दिखेगा कि कैसे इसका, ये केपलर का सिद्धांत है। अच्छा यहीं पर आप ये समझ लो, ये सूर्य हो गया, ये मरकरी है, ये वीनस है और ये अर्थ है। इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, दो ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, मरकरी को और वीनस को, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और इसके बाद के जो ग्रह हैं मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो, ये बाह्य ग्रह हैं। इसका आपके पंचांग में बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा, हो सकता है कि इसकी चर्चा फिर दोबारा आए नहीं। ये मैं आपको ज्योतिष के बारे में बता रहा हूं, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी नहीं, ये जानकारी अच्छी खासी है। इतनी जानकारी अगर ज्योतिष के बारे में आपको रहती है ना तो ज्योतिषियों को इतनी जानकारी अधिकतर नहीं होती है। वो भी पढ़ लेते हैं, सीधा सीधा कुंडली देख लेते हैं और करना से उसको एक दो कुंडली को देखना सीख लिए तो उन्होंने समझा कि ज्योतिष आ गया। अक्षांश और देशांतर, ये पृथ्वी है, आप अक्षांश और देशांतर एक ही बार में ले लो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आप ये समझो, बीच से पृथ्वी को काट दो। ये जो रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा के लंबवत पैरेलल में जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं, और ऐसे ऐसे जो रेखा होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। तो पंचांग में कोई अगर कभी पड़ गई किसी टाइम में तो आप देखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। केवल ये हो गया आपका राहु केतु वाला, हो गया आंतरिक और बाह्य ग्रह हो गए। क्रांति मार्ग की आपको कोई बाद में भी जरूरत नहीं होगी, कालांश की भी नहीं होगी। पंचांग लीजिए आप,